रिवर्स अप ट्रैक पे मोटर ट्रॉली का ये सफर जारी रहेगा। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे झंगशाई से मुरादाबाद तक का ट्रैक और ट्रेनों की क्रॉसिंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सईद आपके साथ मोटर ट्रॉली ट्रैवलिंग में आज जो सेक्शन शेयर कर रहा हूँ वो है झंगशाही से मुरादाबाद। और पिछले एपिसोड में हमने ट्रैवल किया था रन पठानी टू झंगशाही। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि ट्रॉलीज झंगशाही थी और हम ट्रेन से वापस कराची चले गए थे और नेक्स्ट डे सब शाह लतीफ एक्सप्रेस से झंगशाही पहुंचे मजीद ट्रैवल करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाह लतीफ एक्सप्रेस का पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत यादगार ट्रेवल व्लॉग है फ्रॉम कराची टू मीरपुर खास, आप जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। व्यूअर्स, ये आप ज़ेर ज़मीन गुजरगाह देख रहे हैं जो कि अंग्रेज़ बनाकर चले गए थे और ये पहली और आखिरी ही गुजरगाह है जो कि पाकिस्तान के किसी और रेलवे स्टेशन पर नहीं है। झंगशाही रेलवे स्टेशन और बाज़ार का एक व्लॉग मैंने बनाया था जिसमें ये सारी डिटेल्स थी, यहाँ की सौगात, हर चीज़ जो आप देख सकेंगे उस वीडियो में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। दोनों ट्रॉली की टीमें जो हैं वो तैयार हो चुकी थी और सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब हमारा सफ़र जो है मुरादाबाद के लिए शुरू हुआ। झंगशाही से मुरादाबाद तक का सफर जो है तकरीबन 16 किलोमीटर है जो कि ट्रैक डिस्टेंस अगर देखें तो 91 किलोमीटर से 107 तक है। डाउन ट्रैक पे ट्रेन क्रॉसिंग का सिलसिला जारी रहेगा और अभी जो ट्रेन आ रही है उसे लोकोमोटिव AG 36027 लीड कर रहा है। मोटर ट्रॉली ट्रैवलिंग के दौरान ये क्रॉसिंग आपको यकीनन पसंद आएगी जिसे लोकोमोटिव ZCU 36322 लीड कर रहा है।
इस सेक्शन में मोटर ट्रॉली की एवरेज स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर रही। पंजाब में मैंने आपके साथ जो मोटर ट्रॉली ट्रैवल व्लॉग शेयर किए थे वो सिंगल ट्रॉली से थे, और यहाँ सिंध में दो ट्रॉलियों के साथ सफर किया जा रहा है, और इसके व्यूज आपको यकीनन पसंद आएंगे। ये इस तरह की लोकेशंस अब माजी का हिस्सा बन गया। आप ट्रेन में इसे देख तो सकते हैं मगर यहाँ रुक नहीं सकते। मुरादाबाद स्टेशन हम पहुंचने वाले हैं। ये आउटर सिग्नल है और सामने स्टेशन का टावर भी आपको नजर आ रहा होगा। दोनों ट्रॉलियाँ मुरादाबाद स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस मुरादाबाद अप्रोच कर रही है, लिहाजा सेम ट्रैक होने की वजह से दोनों ट्रॉलियों को ट्रैक से नीचे उतार के रुकना होगा। जब तक हम मुरादाबाद स्टेशन का इनसाइड व्यू करते हैं, और यहाँ पे कोई रंग रोगन का काम हो रहा था। SM मुरादाबाद को भी 47 अप की इन्फॉर्मेशन मौसूल हो रही थी। हम सब यहाँ रूम में बैठे हुए थे और 47 अप की किसी वक्त भी एंट्री हो सकती थी। नेक्स्ट एपिसोड में ये सफ़र आगे की तरफ जारी रहेगा, और आज का ये व्लॉग आपको जंगशाही टू मुरादाबाद पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें।